अच्छा जी यूसुफ भाई से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर हम घर पे यही कबाब अगर बनाना चाहें चपली कबाब, तो उसको हम किस तरीके से घर पे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि घर पे हम जब बनाने की कोशिश करते हैं तो कबाब जैसे फ्राई करने के लिए गया तो वो टूट जाता है, तो इसको टूटने से बचाने के लिए हम क्या तरीक़ेकार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राणा सैफुल्ला खान और आप देख रहे हैं आरएस के फूड्स एंड ट्रैवल्स। मेरे व्यूअर्स, छोटे कियोस्क के बहुत बड़े मज़े, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसुफ भाई के साथ और यहाँ मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चपली कबाब। यूसुफ भाई हमारे साथ हैं, अभी यूसुफ भाई से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि माशाल्लाह से ये जो रौनक इन्होंने यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर लगा कर रखी हुई है, ये रौनक कब से लगी हुई है? अस्सलाम वालेकुम, मैं सर्दी में ये 6 बजे से रात 2 बजे तक होते हैं, तो सर्दी में दिन छोटे होते हैं रात लंबे होते हैं, ये वजूहत है। बिल्कुल। और गर्मी में शाम 7 बजे से लेके रात 2 बजे तक हम लोग रखते हैं, तो गर्मी में दिन लंबे होते हैं रात छोटे होते हैं, इस वजूहत से। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितनी किस्म के चपली कबाब जो है वो आप यहाँ पे बना रहे हैं? चपली कबाब इस टाइम मेरे पास है शाही चपली कबाब है, शाही चपली कबाब अंडे वाला है, शाही चपली कबाब नली वाला है। अच्छा, इसके अलावा भी ब्रांच दूसरी जगह पे भी आपकी है क्या? जी, दूसरी जगह पे मेरा कालापुल रेलवे स्कूल के सामने। अच्छा, तेल जो है वो काला हो जाता है, लेकिन ये तो बड़ा साफ सुथरा तेल है, तो क्या इसका सिस्टम क्या रखा हुआ है आपने? तो बड़ा साफ सुथरा मुझे लग रहा है। ये इसलिए साफ सुथरा रखा हुआ है, ये शाही नाम है ना, शाही नाम एक मामूली नाम नहीं है, ये काली कमली वाले के नाम से समझ गए, और ख़त्म भी शुरू भी उधर से और ख़त्म भी उधर ही होना है, समझ गए ना, ये इसलिए साफ़ सुथरा काम है, साफ़ सुथरा गोश्त, साफ़ सुथरा रहता हमारा अल्लाह के हुक्म से, किस चीज़ की भी दो नंबरी काम नहीं है, जीनियन काम और खालिस काम है। तो यूसुफ भाई मुझे ये बताएं कि कितने बजे आप आ जाते हैं और रात कितने बजे तक ये बंद होता है? मैं आ जाता हूँ शाम 6 बजे आ जाता हूँ। शाम 6 बजे लड़के आते हैं, फिर सफाई वफाई करते, काम वाम रेडी करते, 7 बजे तक हमारा काम, मगरिब का अजान हो जाते, बस नमाज पढ़ के अपने रोजी पे बैठ जाते हैं, अल्लाह का नाम लेके। तो मुझे ये बताएं रेट्स क्या रखे हैं आपने? रेट हमने ये रखा हुआ है 180 रुपये का शाही चपली कबाब, और अंडे वाला है वो 230 रुपये का रखा हुआ है इस टाइम, और नली वाला है वो 350 रुपये का है। तो अब आप जो है व्यूवर्स को यहाँ का प्रॉपर एक ऐसे आसानी के साथ एड्रेस बता दें कि लोग यहाँ पे पहुँच सकें। ये काला पुल सिंगल के पास, आप ये सिंगल से आप अंदर आओगे आगा जी होटल के पास, आगा जी के होटल के सामने मेरा शाही चपली कबाब का दूसरा ब्रांच मैंने ओपनिंग किया, ये साल 12 महीने का मेरे हाथ में है। तो मेरे व्यूवर्स, लोकेशन जो है मैं आपको बड़ी ईजी यहाँ पर बता देता हूँ कि जब आप पीछे सामने से काला पुल का जो सिग्नल है NMC के सामने, नेशनल मेडिकल सेंटर के सामने काला पुल का जो सिग्नल है, यहाँ से आप सिग्नल के साथ ही जब अंदर आते हैं तो ये सामने कोटाल फरीद होटल है, ये आगाजी होटल है, उसके साथ ही आप सामने देखेंगे ये शाही चपली कबाब यूसुफ भाई के पास, ये जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रौनक लगी हुई है, बड़ा ही साफ़ सुथरा और ज़ायकेदार किस्म का जो है यहाँ पर चपली कबाब तैयार किए जा रहे हैं। यूसुफ भाई, तैयारी जो है वो आप घर से ही करके लाते हैं, यहाँ पे भी आके तैयार करते हैं? यहाँ पर सिर्फ मिर्ची मिक्स करता हूँ, अंडे मिक्स कर देता हूँ, बस यही काम होता है, और माल माल में पीछे गोदाम में अभी बना के लाते हैं, उधर डिफ्रीजर में हर चीज़ साफ़ सुथरा प्रोटोकॉल के साथ, मतलब सफाई सुथराई से, मतलब साफ़ सुथरा बना के वहाँ पर, साफ़ सुथरा जगह है ना, मतलब। तो तेल को बदलने का जो है वो क्या निज़ाम रखा हुआ है आपने? ये रोज़ाना डेली उठाते हैं हम लोग, 2 दिन चलाते हैं जी, 2 दिन। ये देखें जी, आपको पता भी चल रहा होगा ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ऑयल हो रहा है, कोई इसमें आपको गंदगी नज़र नहीं आ रही। कढ़ाई रोज़ाना धुलते हैं, कढ़ाई रोज़ाना धुलती है इस वजह से, और देखें इसकी कढ़ाई किस जो है बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, तो यही वजह है कि ये रोज़ाना साफ़ होती रहती है, ऑयल चेंज होता रहता है डेली रोज़ाना, तो सफाई होती है, जैसे रोज़ाना काम खोलते हैं सफाई करते हैं, काम बंद करते हैं फिर बर्तन धोलते हैं, रोज़ाना का ये मामूल है। यूसुफ भाई मुझे ये बताएं कि ये कम से कम कितने पाव का जो है वो कोई लेना चाहे तो कबाब ले सकता है चपली कबाब? कम से कम आधा पाव का कबाब है 180 रुपये का, आधा पाव से ज़्यादा होगा मतलब कस्टमर को हम बताते हैं आधा पाव, वजन में तोले भी आप जाके दिल मुतमिन कर सकते हैं अपना, आधा पाव से ज़्यादा होगा कम नहीं होगा, लेकिन हो गया। अच्छा जी यूसुफ भाई से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर हम घर पर यही कबाब अगर बनाना चाहें चपली कबाब, तो उसको हम किस तरीके से घर पर बना सकते हैं,
क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि घर पे हम जब बनाने की कोशिश करते हैं तो कबाब जैसे फ्राई करने के लिए गया तो वो टूट जाता है, तो इसको टूटने से बचाने के लिए हम क्या तरीकेकार कर सकते हैं, ये भी हम यूसुफ भाई से सवाल करेंगे। इसका जो सारा ये कीमा तैयार किया हुआ होता है कबाब बनाने के लिए, इसको हम महफूज कैसे कर सकते हैं, या बने हुए कबाब को हम कितनी देर तक चला सकते हैं, ये सारे दिलचस्प किस्म के सवाल जो है वो अब हम यूसुफ भाई से करेंगे। अच्छा यूसुफ भाई, लोग घरों पे भी आमतौर पे कोशिश करते हैं कि यार दावतों वगैरह में जो है वो चपली कबाब घर पे हम बनाएं, तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि गोश्त इसमें किस किस्म का होना चाहिए और कितना ज़्यादा उसका कीमा जो है वो नरम हमें करना चाहिए। साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल रूखा कीमे की तरह, साफ़ सुथरा तांबे की तरह, चर्बी छिछड़ा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कबाब शाही कबाब बनाना है तो ठीक, बिल्कुल तांबे की तरह साफ सुथरा गोश्त होना चाहिए। सही है। और इसके अंदर फिर प्याज होता है, मसाले होते हैं, मसाले अनारदाना, जीरा, अजवाइन, सही, सूखा धनिया कटर किया हुआ, बिल्कुल पाउडर नहीं मतलब कटर किया हुआ दानेदार। और अच्छा, इसको आमतौर पे घरों में हमने देखा है कि यार ये जो है ना जब हम फ्राई करने लगते हैं तो टूट जाते हैं, इसको जोड़े रखने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? वो अंडे डलते हैं, वो इसलिए टूट जाते हैं ना, वो मसाले को टाइम नहीं दिया होता है, हाथों हाथ बनाते हैं और हाथों हाथ पकाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं होता है। मतलब इसको हम तैयार करने के बाद, मैरिनेट करने के बाद, कबाब का प्याज को हम एक दिन पहले निकालते हैं। अच्छा, प्याज को कटर, वो प्याज सारा पानी छोड़ते हैं, जब्स करते हैं, समझ गए ना, फिर जाके वो उससे फिर हम लोग सही पानी निकालते प्याज के कटे पे डाल के, मतलब उससे पानी निकाल देते, बिल्कुल सुखा दानेदार भूसा बना देते। तो तैयार करने के बाद हमें कितनी देर इसको रखना चाहिए? तैयार होने के बाद बस वो फौरन फिर पकाओ। सिर्फ मिसाल गोश्त जब कीमे मिला रहे हो बना रहे हो ना, कीमे को नमक मसाला डाल दिया मिक्स करके और कन्वर्ट कर दिया, प्याज को आटा मारा मसाला मारा मिक्स कर दिया, मिक्स करके कीमा और प्याज मिक्स करो, हरी मिर्च अंडे डाल दो, बस तैयार है कबाब। तो इसको फ्राई कितनी देर करना चाहिए हमें? फ्राई अल्लाह के हुक्म से ये तैयार ही होते हैं, मतलब समझ लो सिर्फ डालो निकालो। वो फ्राई इसलिए किया जाता है ना, वो ज़रा मिसालों के ज़ोर पे वो गोश्त गला हुआ होता है, तैयार होते हैं मतलब एक तरीके से, वो इसलिए सिर्फ लाल करने के लिए होते हैं वो। सही। कबाब मैं आपसे बनवा के ले जाता हूँ, तीन चार, और सारे तो एक टाइम पे नहीं खा सकूंगा, तो मैं रख सकता हूँ इसको कि मैं सुबह खा लूंगा या कल शाम में खा लूंगा? हाँ बिल्कुल, ओवन पे गरम कर दो, ओवन पे गरम नहीं करते, ओवन आपके पास नहीं है तो आप इस थैली को प्लास्टिक के अंदर डाल लो पानी गरम करके, और उस थैली को पानी के अंदर डाल दो, वो बाप से वो कबाब ऑटोमेटिक गरम। तो आपने तवे पे गरम नहीं करना है, ना तवे पे गरम करना है ना घी पे गरम करना है इसको। क्या बात है जी, ज़बरदस्त तरीके रेसिपी भी यूसुफ भाई ने बता दी कि कबाब बनेंगे कैसे, इसको महफूज कैसे करेंगे ये भी बता दिया, देर तक कैसे चल सकते हैं, सारी चीज़ें जो है वो सारे सीक्रेट यूसुफ भाई ने आज हमसे शेयर कर लिए हैं। अच्छा यूसुफ भाई, बाजू का कस्टमर को जो है वो प्रॉपर एड्रेस सुन के भी समझ नहीं आता, तो मेरे ख्याल से आप अपना फ़ोन नंबर भी जो है वो हमें बता दें, ताकि अगर किसी को एड्रेस ना पता चले तो आपको फ़ोन कॉल करके आपके पास आ सके और ये शाही चपली कबाब के मज़े ले सके। ये हमारा एड्रेस है काला पुल के पास, आप आ जाए फूलों वाले के पास, आप आगा जी होटल है, आगा जी के सामने बिल्कुल हमारे शाही चपली कबाब है। मेरा अपना नंबर है 0317-880-40-68। चलिए गुरु जी, व्यूवर्स आपको अगर एड्रेस समझ में ना आए तो यूसुफ भाई को कॉल करें और यहाँ पे पहुँचें, चपली कबाब का टेस्ट लें। तो मेरे व्यूवर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई जगह पर मुलाकात करते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जो है वो यूसुफ भाई के पास पहले आ चुका है या अब यूसुफ भाई के पास आके शाही चपली कबाब का टेस्ट ले चुका है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई जगह पर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।